चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में सेवंथ पोएम शुरू करें, जो पोएम का नाम है गवतरी। गवतरी ये एक लोकगीत है, जो लोकगीत एक प्रसंग कथा के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। प्रसंग कथा मतलब कि कोई एक कथा, एक स्टोरी जो है वो इसमें समझाई हुई है, एक स्टोरी जो पोएटिक वे में समझाई हुई है। एक बहुत ही सुंदर इसमें स्टोरी है, सिंपल सी लेकिन बहुत सुंदर स्टोरी, कि जिसमें स्वर्ग की एक कामधेनु गाय, मतलब कामधेनु इसका मतलब कहलाता है कि हर इच्छा पूरी करने वाली गाय, उसे कामधेनु गाय कहते हैं। कि स्वर्ग की एक कामधेनु गाय कि जो एक बार पृथ्वी पर घूमने के लिए आते हैं, और उनका सामना एक वाघ के साथ हो जाता है। वाघ मतलब एक टाइगर के साथ उसका सामना हो जाता है, कि जहाँ टाइगर वो उस गवतरी उस गाय को कहता है कि भाई मैं तुम्हें खा जाऊँगा, कि सामने आया हुआ खाना मैं कैसे छोड़ दूँ। तब वो गाय उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि स्वर्ग में मेरे बच्चे वो भूखे बैठे हैं, भाई मैं वचन करती हूँ कि मुझे सिर्फ एक बार घर पर जाने दो, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस लौट आऊँगी आपके पास। गाय वाघ को वचन देती है और वाघ उन्हें जाने देता है। जब स्वर्ग में वो अपने बच्चों के पास जाती है, अपने बच्चों को कहती है कि मुझे फिर से पृथ्वी पर जाना है क्योंकि मैं वाघ को वचन देकर आई हूँ, वो मुझे खाने वाला है, तब बच्चे भी शौक हो जाते हैं, गाय के बच्चे भी शौक हो जाते हैं कि भाई आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, कि अगर ऐसी ही बात है तो भाई हम भी आपके साथ चलेंगे, हम उस वाघ को कहेंगे कि भाई आपको मारने से पहले वो हमें मार दें। तो वो बच्चे भी अपनी माता के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर आ जाते हैं और वाघ के सामने कहते हैं कि मेरी माता को मारने से पहले मुझे मार दो। और बच्चों का ऐसा स्वभाव देखकर, बच्चों का ऐसा जोश देखकर वाघ भी उनके सामने झुक जाते हैं और कहता है कि भाई तुम्हारा ये स्वभाव देखकर अब मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा। तो है तो ये सिंपल सी स्टोरी, एकदम सिंपल सी स्टोरी, लेकिन इसे पोएटिक वे में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया हुआ है। तो देखो, हम लोग देखें कि इस पोयम में क्या कहते हैं। इसे लिखा हुआ है कि सरक भवन तीरे उतरया गवतरी आव्या मर्तुक लोक मां मालवारे। एक एक लाइन ध्यान देना और वर्ड भी सुनते जाना। कि सरक भवन तीरे उतरया गवतरी, सरक भवन मतलब कि स्वर्ग भवन से, स्वर्ग से उतरया गवतरी, उतरया मतलब आए हैं, गवतरी मतलब ये गाय, गवतरी गाय को ही कहते हैं। आव्या मर्तुक लोक मां मालवारे, आव्या मर्तुक लोक मतलब मृत्यु लोक जो इसे पृथ्वी लोक को कहते हैं, कि आव्या मर्तुक लोक मां मालवारे मतलब इस मृत्यु लोक, इस पृथ्वी लोक में मालवा मतलब घूमने के लिए आए हैं। चरवा डूंगर डे ने पानी पीवा गंगा, वाघ वीरानी नजरे पड़ रहा रे। चरवा डूंगर डे मतलब कि भाई पहाड़ों के ऊपर चरवा मतलब खाने के लिए, घास खाने के लिए पहाड़ों पे आए हैं वो, ने पानी पीवा गंगा, और गंगा नदी का पानी पीने आए हैं। वो गाय यहाँ पृथ्वी पर क्यों आई है? तो वो यहाँ पृथ्वी पर जो है पहाड़ों पर घास खाने के लिए और गंगा नदी का पानी पीने के लिए, इस पृथ्वी पर घूमने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। कि वाघ वीरानी नजरे पड़ जा रहे, वाघ वीरानी नजरे पड़ या मतलब कि वाघ वीरा मतलब भाई को कहते हैं, वाघ भाई एक पोएटिक फॉर्म में कहते हैं ना, कि वाघ भाई ने नजरे पड़ा मतलब उस वाघ भाई, उस टाइगर भाई ने जो है वो उसको देख लिया, उनके नज़र में आ गए। उबारो गवतरी पूछू एक बात, मोढ़े आव्यो खाज नहीं मेलू रे। क्या कहते हैं? उबारो गवतरी पूछू एक बात, वो वाघ भाई मतलब वो टाइगर वो उस गाय को कह रहे हैं, उभारो गवतरी भाई तुम रुको, पूछू एक बात, मोढ़े आव्यो खाज नहीं मेलू रे। कहते मोढ़े आव्यो खाज, खाज मतलब खाना, मोढ़े आव्यो खाज मतलब कि सामने मेरे अब खाना आ चुका है, नहीं मेलू रे कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो वाघ गाय को क्या कह रहे हैं कि भाई तुम खाना बनकर खुद मेरे सामने आई हो, अब मैं तुम्हें जाने दूंगा नहीं, भाई सामने आया हुआ मुंह के पास आया हुआ खाना मैं कैसे छोड़ू। सांबड़ वाघ वीरा कहूं तने बात, घर में मैल्या नाना वाचरू रे। तो सांबड़ वाघ वीरा जब उस
वो वाघ ने जब उसको सामने से कहा ना, वाघ ने जब कहा कि भाई सामने आया हुआ खाना मैं कैसे छोड़ू, तो वो गाय जवाब दे रही है, ये गवतरी जवाब दे रही है कि सांभर वाघ वीरा, वीरा वीरा मतलब भाई को ही कहते हैं ना, वो गाय जो है वो उसको भाई कह के बुला रही है कि सांभर वाघ वीरा, कि सुनो वाघ कहूँ तने बात, कि मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ, घर में मेल्या नाना वाचरू रे, घर में मेल्या नाना वाचरू रे, मतलब कि भाई घर में मैंने मेल्या मतलब छोड़ कर आई हूँ, वहाँ रख कर आई हूँ, नाना वाचरू रे, वाचरू मतलब छोटे वाछरडा, गाय के बच्चों को कहते हैं ना वाछरडा उनके बच्चे, तो वो कह रही है कि भाई घर में अपने बच्चों को छोटे बच्चों को छोड़ कर आई हूँ, चंदर उग्यानी वीरा अवध्यु आपो वाचरू धवरा वी वहला आवशूरे, क्या कह रही है कि चंदर उग्यानी वीरा अवध्यु आपो, चंदर उग्यानी मतलब कि चांद उगे ना तब तक की, वीरा मतलब उस भाई को कह रहे हैं, वाघ भाई को कह रही है कि चांद उगने तक की अवध्यु आपो, अवध्यु मतलब कि समय दो मुझे, कि चांद उगने तक का मुझे समय दे दो, चांद उगने तक का कौन सा समय, मतलब शाम तक का समय, शाम को जब मून राइज होता है तब तक का, तो कहते चंदर उग्यानी अवध्यु आपो वाचरु धवरावी वहला आवसुरे, वाचरु धवरावी मतलब कि भाई मैं अपने बच्चों को खिलाकर उनको दूध पिलाकर, वहला आवसुरे कि भाई मैं फिर से वापस आ जाऊंगी। उस गाय ने उस वाघ को रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज़ मुझे जो है वो जाने दो वहाँ पर, मेरे छोटे बच्चे हैं वहाँ, कि चांद उगने तक की मुझे जो है सिर्फ टाइम दो, मतलब शाम तक का मुझे टाइम दो कि भाई मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। नो रे आवू तो बाबा नंद जी नहीं आण्यो चांदो सूरज आपू साखिया रे, नो रे आवू तो बाबा नंद जी नहीं आण्यो, क्या कह रही है कि नो रे आवो, कि अगर मैं नहीं आऊँ ना तो बाबा नंद जी नहीं आण्यो, बाबा नंद जी मतलब जो नंद श्री कृष्ण के पिता जो थे नंद, उस नंद नहीं आण्यो, आण्यो मतलब कसम खाती हूँ। वो गाय उस वाघ के सामने कह रही है कि देखो मैं जो है वो नंद जी की कसम खाती हूँ कि भाई अगर मैं नहीं आऊँ तो, मतलब मैं आऊँगी ही आऊँगी, ज़रूर आऊँगी मैं, चांदो सूरज आपू साखिया रे, चांदो सूरज आपू साखिया रे, पता है कोई भी कसम खाते हैं ना तो हमेशा, ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जब कोई कसम कोई बात जो है वो, कसम खाना मतलब क्या कि बात नक्की करना, मैं ये काम करूँगा ही करूँगा। आप लोग जैसे कोई कसम खाते हो तो वैसे नहीं कि हाँ भाई कोई भी झूठी मूठी कसम खा लिया कुछ भी कर लिया, कसम खाने का मतलब होता है कि नक्की मैं ये बात मानता हूँ और मैं ये बात करूँगा, उसे कसम खाना कहते हैं। और कसम खाते वक्त हमेशा कोई ना कोई आसपास साक्षी होना चाहिए, साक्षी होना चाहिए मतलब किसी के सामने साक्षी मानकर, वो कहते हैं ना भाई मैं इसको साक्षी मानकर फिर ये कसम खाता हूँ, तो वो कसम मानी जाती है। तो यहाँ देखो इस गाय को जो है भाई ये ऐसे बताया हुआ है कि भाई जो उसने वचन दिया है तो वो वचन पूरी करेगी ही, उस गाय ने जो वचन दिया वो जरूर पूरा करेगी। तो वो क्या कह रही है कि नो रे आऊँ तो बाबा नंद जी नहीं आयो, कि भाई मैं नंद जी की कसम खाती हूँ कि अगर मैं नहीं आऊँ तो मैं ज़रूर आऊँगी, चांदो सूरज आपू साखिया रे, कि देखो ये चांद सूरज वो साखिया मतलब मेरे साक्षी हैं, मैं इस चांद और सूरज का साक्षी मानकर कसम खाती हूँ, नंद जी की कसम खाती हूँ कि मैं आऊँगी यहाँ पर, ज़रूर आऊँगी मैं। तो ये जब कहा फिर आगे कहते हैं कि पहलो ही होटो गाय सिमड़िए नाख्यो बीजे ही होटे आव्या वाड़िए रे, क्या कह रही है कि मतलब यहाँ पर जो है वो जैसे उस वाघ ने उसको परमिशन दे दी कि चलो ठीक है भाई मैं जो है वो तुम्हें जाने देता हूँ, तुम वापस आ जाना शाम तक, वापस ज़रूर आ जाना। यहाँ एक दूसरे के ऊपर जो है वो कितना विश्वास है दोनों का, वही इस पोयम का दूसरा मेन पॉइंट है ना, दोनों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास। गाय ने भी विश्वास के साथ उसे कहा कि मैं शाम तक ज़रूर आऊँगी, वचन दिया, कसम खाई उसने, और उसने वाघ ने तो वाघ ने भी विश्वास के साथ उसको जाने दिया। अब गाय कैसे जा रही है, कितने उतावल से जा रही है, कहाँ जाना है बताए, यहाँ धरती से स्वर्ग तक उनको जाना है। तो स्वर्ग तक जाने के लिए यहाँ पर पोएटिक वे में ये चार लाइन लिखी गई है, तो समझना काफ़ी अच्छी तरह से लिखी गई है। जैसे वो कहते हैं पहलो ही होटो गाय सिमड़िए नाख्यो, पहलो ही होटो मतलब क्या, ही होटो मतलब कहलाता है
गाय भैंस जब जो है वो ये तेजी से दौड़ती है ना, तो उसका एक क्या कहते हैं कि भाई उनका एक आवाज निकलता है, एक साउंड निकलता है, उसे हिहोटो कहते हैं। गाय का आवाज जो है वो आपने सुना होगा, जब गाय जो है वो कोई तेजी से दौड़ेगी ना तो उसका आवाज निकलता है, दौड़ते वक्त जोर से आवाज करती हुई दौड़ती है गाय, तो उस आवाज को हिहोटो कहते हैं। तो क्या कहते हैं, पहलो हिहोटो गाय सीमड़िए नाख्यो, मतलब गाय इतनी तेजी से वो दौड़ रही थी कि दौड़ते हुए पहलो हिहोटो मतलब पहली सांस, वो जैसे वो दौड़ती है ना तो हर सांस में वो जैसे आवाज करती हुई जाती है, मतलब पहले डायरेक्ट पहले ही स्टेप में वो गाय सीमड़िए, सीमड़िए मतलब कि गांव के बाहर, गांव की सरहद पर जैसे पहुंची। बीजे ही होटे आव्या वाड़िए रे, बीजे ही होटे मतलब दूसरी सांस में, दूसरी आवाज में वो वाड़िए है ना, सीधा जो है वो ये वाड़ी खुले मैदानों में पहुंच गई, गांव के बिल्कुल बाहर खुले मैदानों में। तीजो ही होटो गाम ने गोंदरे नाख्यो है ना, और तीसरा वो सीधा गांव ने गोंदरे मतलब अपने गांव के जैसे जो है वो किनारे पर वो पहुंची, अपने गांव के पास पहुंच गई सीधी, तीजो ही होटो मतलब तीसरी सांस में। ने चौथे ही होटे वाचरू बेटिया रे, ने चौथे ही होटे मतलब चौथी आवाज में, चौथी सांस में ही वाचरू बेटिया रे कि अपने वाचरू अपने वाचरडे अपने बच्चों के सामने पहुंच गई, बेटिया रे मतलब उन्हें मिल गई। तो जस्ट पोएटी की एक्सप्लेनेशन है कि वो गाय जो है वो तेजी से यहाँ धरती से स्वर्ग की तरफ दौड़ी, सिर्फ चार सांसों में मतलब सिर्फ चार स्टेप में वो यहाँ से सीधा जो है वो अपने स्वर्ग तक पहुँची, क्योंकि उन्हें उतावल थी अपने बच्चों तक मिलने की और वहाँ से वापस आने की। फिर अपने बच्चों के पास पहुँचकर वो कहती है कि उठो उठो वाचरू धावो माना दूध अवध्यो आवी वीरा वाग्नी रे, क्या कहते हैं उन्हें कि उठो उठो वाचरू धावो माना दूध, उनके बच्चे जैसे सोए हुए हो अगर गाय के बच्चे तो उन्हें कह रहे हैं कि भाई चलो उठो आप लोग जल्दी, धावो माना दूध, धावो माना दूध मतलब कि भाई आप जो है वो ये दूध पी लो फटाफट। अवध्यो आवी वीरा वाग्नी रे, अवध्यो आवी मतलब कि अब समय आ चुका है, वीरा वाग्नी रे, वीरा मतलब भाई, वाघ कि उस टाइगर के पास जाना है, मेरा समय हो रहा है, उस वाघ के पास जाने का मेरा समय हो रहा है, आप लोग जल्दी से दूध पी लो। गेली माता कामधेनु गेलड़िया म बोलो कड़पेलू दूध कड़वो लिंबड़ो रे, अब उस गाय के बच्चे उन्हें बोल रहे हैं, अब ये जो सेंटेंस है वो उन गाय के बच्चों के बच्चे बोल रहे हैं, उनकी ये बातें हैं। तो जब बच्चों ने ये बात सुन ली कि भाई गाय माता जो है भाई हमारी माता गाय ने वो उस वाघ को वचन देकर आई है कि भाई वो वहां जाएगी और वाघ उसे खा जाएगा, तो ये सुनकर बच्चे उसे क्या कह रहे हैं कि घेली माता काम देनो है ना, माता काम देनो, काम देनो उस गाय के लिए ही कहा हुआ है ना कि हर एक की इच्छा पूरी करने वाली गाय, तो उसे कह रही है कि घेली माता काम देनो, घेली मतलब कि भाई भाई आप जो है वो पागल हो चुके हो, कोई आपके सामने आकर कहे कि भाई मुझे जो है वो वहाँ जाना है, वो मुझे मारने वाला है, इसके लिए मुझे वहाँ जाना है, तो वो बच्चे ही उसे कह रहे थे कि आपके पागल हो चुके हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। गेली माता काम देनो गेलड़िया म बोलो, गेलड़िया म बोलो मतलब कि ऐसी पागल हो जैसी बातें मत करो भाई, ऐसी अजीब बातें मत करो, गेलड़िया म बोलो, म बोलो मतलब ऐसा मत बोलो। कड़पेलू दूध कड़वो लिंबड़ो रे, कड़पेलू दूध कड़वो लिंबड़ो रे, इसका मतलब क्या कि कड़पेलू, कड़पेलू का मतलब होता है कि एकदम मीठा, एकदम मीठा मीठा दूध भी कड़वो लिंबड़ो रे, वो भी अब मुझे जो है वो कड़वे लिंबड़े की तरह लग रहा है, कि इतना मीठा दूध भी मुझे अब कड़वा लग रहा है। उन्हें बच्चे कह रहे हैं कि आप जो है वो वहाँ चली जाओगी, कि आखिरी बार हमें जो है वो आप दूध पिला रही हो, तो अब तो इतना मीठा दूध भी हमें कड़वा लग रहा है। तो अब क्या कि अब जो है वो उन्होंने डिसाइड किया, उन बच्चों ने जैसे डिसाइड किया कि अगर माँ जो है वो वहाँ जा रही है ना, तो माँ के साथ हम भी वहाँ जाएंगे, हम भी वहाँ पर जाएंगे, भाई माँ को अकेले धरती पर नहीं भेजेंगे। इसलिए आगे की लाइन में लिखते हैं कि मौर्य चाल्या वाचरू ने वासे माता काम देनु, अब ये सभी उस गाय के बच्चे भी जो है वो उस धरती की तरफ निकल पड़े। कहते हैं मौर्य चाल्या वाचरू, मौर्य मतलब आगे, वाचरू मतलब उनके ये बच्चे, कि वो छोटे बच्चे जो है वो आगे आगे चल रहे हैं, ने वहाँ से माता काम देनो, वहाँ से मतलब उनके साथ उनके पीछे वो माता काम देनो, मतलब अपनी माँ को बचाने के लिए, माँ की रक्षा के लिए अब बच्चे आगे आगे चल रहे हैं,
वो भी जो है वो धरती पर आ रहे हैं उस वाघ से मिलने के लिए। मौर्य चाल्या वाचरो ने वासे माता कामधेनु कल्याणी वन में उभारी आ रहे। कल्याणी वन में मतलब कि उस जंगल का नाम जैसे कि भाई उस जंगल में आकर जो है वो ये खड़े रहे। कल्याणी वन में उभारी आ रहे, कल्याणी उस नाम के लिए भी कह सकते हैं और दूसरा कल्याणी मतलब जो है वो ये गाय को भी कहते हैं। हर तरह की गाय को एक नाम कल्याणी भी दिया जाता है। तो यहाँ जो ये सेंटेंस दिया हुआ ना कल्याणी वन में उभा रिया रहे, तो यहाँ कल्याणी मतलब सभी गाय, वो गाय भी और उनके बच्चे भी सब आकर उस जंगल में आकर खड़े रहे। वो बच्चे आगे आगे चल रहे थे, उनकी माता पीछे पीछे चल रही थी और आखिर में वहाँ आकर खड़े रहे। उठो उठो वाघ मामा, पहले हमने मारो पछी मारो हमारी मात ने रे। तो अब बच्चे जो है वो अपनी माता को बचाने के लिए अब उस वाघ के सामने कह रहे हैं कि उठो उठो वाघ मामा। वो बच्चे उस वाघ को मामा कह रहे हैं। अब जब माता ने जो है वो वाघ को भाई कहा, वीरा कहा, तो उस बच्चे के लिए तो वो मामा ही हुए ना, है ना। माता अगर उसे भाई कह रही है तो बच्चे के लिए तो वो मामा ही हुए। इसलिए वो गाय के बच्चे वो उन्हें कह रहे हैं कि उठो उठो वाघ मामा, पहले हमने मारो, कि भाई पहले हमें मार दो पछी मारो हमारी माता ने रे, फिर भाई हमारी माता को मारना, कि भाई हम हमारी माता के बिना नहीं रह पाएंगे, कि भाई उन्हें मारने से पहले आप हमें मार दो, फिर भले आप मेरी माता को भी मार देना। नाना एवा वाचरू तमने कोणे शिखव्या, किए वेरीड़िए किए वेरीड़े वाचा आलियू रे। अब ये वाघ कह रहा है, जब उस बच्चों ने वाघ के सामने ऐसे कहा, कैसे वो एकदम जोर से कहा कि भाई पहले हमें मारो फिर हमारी माता को मारना, भाई जो भी करना है पहले हमसे कर, तो ये बात सुनकर वो वाघ भी जैसे शौक हो गया, है ना, वो टाइगर भी जैसे शौक हो गया। वो अब इस लाइन में कह रहा है कि नाना एवा वाचरू तमने कौने सिखव्या, नाना एवा वाचरू कि आप जो है वो इतने छोटे बच्चे हो कि तमने कौने सिखव्या, कि भाई आपको ये ऐसा बोलना, इतना जोश इतनी ताकत किसने सिखाई। किए वेरीडे वाचा आलियूरे, किए वेरीडे किए मतलब कौन से, वेरीडे वेरीडी मतलब कहलाते हैं दुश्मन ने, कौन से दुश्मन ने तुम्हें ये बातें सिखाई है, कौन से दुश्मन ने बातें सिखाई है, मतलब ये एक तरह से समझो कि भाई एक टोन की तरह वो वाघ बोल रहा था, है ना। आप लोगों को कैसे कि भाई कुछ भी आप बोलते हो, कोई भी बात बोलते हो, जैसे टोन में आपके पेरेंट्स का भी या कोई बाहर वाले वो सब आपको बोलते हैं ना कि भाई किसने सिखाया तुम्हें ये सब बातें, बोलते हैं कि नहीं, है ना। आप लोगों को नहीं बोलते कुछ भी गलत या कुछ सही या कुछ भी बोलो, तो कौन सिखाता है तुम्हें ये सब बातें। तो वैसे ही वो वाघ भी वो उन बच्चों को जैसे मजाक में कह रहा है कि भाई तुम तो इतने छोटे बच्चे, तुम्हें किसने सिखाया, किए वेरीड़े वाचा आलियूरे, मतलब कौन से दुश्मन ने तुम्हें ये बातें सिखाई, कौन से दुश्मन ने तुम्हें ये बोलना सिखाया। रामे शिखविया लखमणे बोड़विया अर्जुने वाचा आलियूरे। तो उन बच्चों ने जवाब दिया ये, जब उस वाघ ने कहा ना कि भाई किसने सिखाया तुम्हें ऐसा बोलना, तो वो बच्चे जवाब दे रहे हैं कि रामे सिखविया, रामे सिखविया मतलब कि भाई उस भगवान राम ने हमें ये सिखाया है। लखमणे भोड़विया, लखमणे भोड़विया मतलब कि भाई लक्ष्मण ने, भोड़विया मतलब कि भाई हमें इन बातों में इसको अच्छी तरह से समझाया है, राम ने सिखाया है, लक्ष्मण ने समझाया है। अर्जुने वाचा आलियूरे, अर्जुन अर्जुन मतलब कहलाता है अर्जुन, जो पाँच पांडवों में से एक थे अर्जुन, कि अर्जुन ने वाचा आलियूरे, कि भाई उस अर्जुन ने हमें ये वाचा ये बोली दी है, ये बोलना सिखाया है हमें। तो जब उस वाघ ने पूछा किसने सिखाया ये, तो वो बच्चे भी जो है वो जोर से कह रहे हैं कि भाई खुद भगवान राम लक्ष्मण ने अर्जुन ने हमें ये सिखाया है। वो स्वर्ग में रहने वाले बच्चे हैं, गाय के बच्चे हैं, तो वो कह रहे हैं ना कि भाई हमें तो उन भगवान ने ये सिखाया है। तो अब वो वाघ उन्हें आखिरी में कह रहे हैं कि नाना एवा वाचरू तमे करो लीला लेर वसमी वेड़ाए संभार जोरे। तो क्या कहते हैं उन्हें कि नाना एवा वाचरू तमे करो लीला लेर। तो उन्हें उस वाघ को भी, उस वाघ भाई को भी दया आ गई कि भाई जिन बच्चों में इतना जोश है, कि जिन बच्चों में इतने अच्छे संस्कार हैं कि अपनी माता को बचाने के लिए वो खुद को मारने के लिए भी तैयार हैं, तो इन बच्चों को जो है वो हमें मारना नहीं चाहिए। उस वाघ को भी रियलाइज हुआ और उस वाघ ने भी उन बच्चों को आखिरकार जाने दिया। जो आखिरी लाइन में कहते हैं ना कि नाना एवा वाचरू तमें करो लीला लहर,
उन बच्चों को कह रहे हैं कि भाई तमें करो लीला लहर। लीला लहर मतलब जाओ भाई, जलसा करो कि भाई जाओ मौज करो कि भाई मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और उल्टा उल्टा उस वाघ ने उनको जो है वो ये क्या कहते हैं कि सामने से ये वचन दिया कि वसमी वेड़ा है संभार जोरे। वसमी वेड़ा, वसमी वेड़ा मतलब कि कोई मुश्किल का समय, वसमी मतलब मुश्किल, वेड़ा मतलब समय, कि कोई मुश्किल के समय में संभार जोरे। संभार जो मतलब याद करना, मतलब उस वाघ ने उसको खाया तो नहीं, उल्टा सामने से वचन दिया कि जाओ भाई मौज करो, कभी कोई मुसीबत हो तो उल्टा याद करना हमें। ठीक है, तो इतनी सुंदर ये जो है वो पोयम है, एक लोकगीत की तरह है। एक बहुत ही सुंदर ये स्टोरी जो एक पोएटिक फॉर्म में दी गई थी, जिसमें इनडायरेक्टली हमें यही कहते हैं ना कि अगर आप लोग जो है वो प्यार से मीठी बोली से अगर किसी से भी बात करो ना, तो भले कितना भी सामने कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उसे भी जो है वो हम लोग सुधार सकते हैं, उससे भी हम लोग दोस्ती कर सकते हैं। इस चैप्टर का मोरल एक ही है, ये यही बात वो समझाते हैं हम, कि वो बच्चे जो है वो जब प्यार से है ना, प्यार से जोश से उस वाघ से बात कर रहे थे, तो टाइगर जैसा एनिमल भी, वाघ जैसा जानवर भी उन छोटे बच्चों के सामने पिघल गया, वो बदल गया। तो इसलिए हमारी बोली, हमारे जो वचन है ना, आखिरी में वही बताया ना, वो वाघ जो है वो उस बच्चों से पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें किसने ये बोली सिखाई, किसने इतना मीठा बोलना सिखाया। तो वो बच्चे खुद कह रहे थे कि भाई राम लक्ष्मण ने सिखाया, अर्जुन ने हमें सिखाया है ये। तो इसलिए अगर हम भी उनकी तरह जो है वो मीठी बोली सीखे ना, तो कोई दुश्मन नहीं रहेगा, कि दुश्मन भी आखिरकार दोस्त में बदल जाएंगे। तो हमेशा हमेशा मीठा जो है वो बोलो, हमेशा अच्छी तरह से सबसे बात करो, कि जिससे ना कभी किसी से जो है वो हमारी लड़ाई हो, ना कभी किसी से कोई तरह का झगड़ा, कोई तरह की दुश्मनी नहीं। ठीक है, तो आज जैसे गुजराती में हमने ये पोयम देखी ना, ऐसे ही गुजराती की दूसरी पोयम्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।